धरती का सबसे गहरा राज और चीन का मिशन। दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं एक ऐसी जगह जहां सूरज की रोशनी पिछले लाखों सालों से नहीं पहुंची है? एक ऐसी दुनिया जो हमारी जमीन के नीचे 11 किलोमीटर की गहराई में छिपी है। एक ऐसी जगह जहां प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो एक इंसान को पलक झपकते ही पिचका दे। हम बात कर रहे हैं मरियाना ट्रेंच की, धरती का सबसे गहरा, सबसे अंधेरा और सबसे अनोखा राज। और अब चाइना ने इस राज के दरवाजे पर दस्तक दी है। उन्होंने एक ऐसा मिशन शुरू किया है जिसके बारे में सुनकर दुनिया के बड़े बड़े देश हैरान हैं। चाइना ने मरियाना ट्रेंच की ड्रिलिंग शुरू कर दी है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले 10 सालों में वहां से जो कुछ भी मिलेगा वो हमारी दुनिया, हमारी टेक्नोलॉजी और शायद हमारे फ्यूचर को हमेशा के लिए बदल देगा। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी की स्क्रिप्ट नहीं, ये आज की रियलिटी है। तो आइए समुद्र की उन गहराइयों में चलते हैं और जानते हैं कि आखिर चाइना वहां क्या ढूंढ रहा है जो सब कुछ बदल देगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। मेंग शियांग, इतिहास का सबसे बड़ा डीप सी मिशन। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह मिशन कितना बड़ा और कितना मुश्किल है। मारियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन में स्थित इतना गहरा है कि अगर आप माउंट एवरेस्ट को इसमें उल्टा डाल दें तो भी उसकी छोटी समुद्र की सतह से 2 किलोमीटर नीचे होगी। यहां का प्रेशर समुद्र की सतह के प्रेशर से 1000 गुना ज्यादा है। इस अंधेरे और ठंडे पानी में आज तक इंसान सिर्फ कुछ ही बार पहुंच पाया है। लेकिन चाइना सिर्फ वहां पहुंच नहीं रहा, वो उसकी जमीन को खोदने जा रहा है। इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए चाइना ने एक स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज बनाया है जिसका नाम है मेंगसियांग यानी ड्रीम। ये कोई आम जहाज नहीं है दोस्तों, ये एक फ्लोटिंग हाईटेक लैबोरेटरी है जो 11,000 मीटर की गहराई तक ड्रिलिंग कर सकती है। यह इंसानी इतिहास का सबसे एडवांस्ड डीप सी ड्रिलिंग वेसल है। सवाल यह उठता है, आखिर इतना पैसा, इतनी टेक्नोलॉजी और इतना रिस्क चीन ले क्यों रहा है? इसके पीछे का मकसद क्या है? पहला मकसद, रेयर अर्थ मिनरल्स और भविष्य की दौलत। इसका पहला जवाब है संसाधन यानी रिसोर्सेस, एक ऐसी दौलत जिसकी आज की दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांड है। हम बात कर रहे हैं रेयर अर्थ मिनरल्स की। यह वो 17 एलिमेंट्स हैं जिनके बिना आपका स्मार्टफोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक कार और यहां तक कि एडवांस्ड मिलिट्री वेपन्स भी नहीं बन सकते। अभी तक इन मिनरल्स का 80-90% सप्लाई चाइना से ही आता है, लेकिन जमीन पर इनके भंडार धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। साइंटिफिक मॉडल्स बताते हैं कि समुद्र की सतह के नीचे, खासकर मरियाना ट्रेंच जैसे जियोडायनामिक लोकेशंस पर, इन रेयर अर्थ मिनरल्स का एक अनमोल खजाना छिपा हो सकता है। इसके अलावा वहां सोना, चांदी, प्लैटिनम और कोबाल्ट जैसे कीमती धातु भी मिलने की पूरी संभावना है। अगर चाइना इस खजाने तक पहुंचने में कामयाब हो गया तो जरा सोचिए क्या होगा। वो न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करेगा बल्कि पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी मार्केट को कंट्रोल कर सकेगा। हर देश को अपने विकास के लिए चाइना के आगे हाथ फैलाना पड़ सकता है। यह एक ऐसी इकोनॉमिक सुपर पावर बनने का टिकट है जिसका सपना हर बड़ा देश देखता है। दूसरा मकसद, फायर आइस और ऊर्जा का भविष्य। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ मिनरल्स और पैसों की नहीं है, इससे भी बड़ी एक चीज है जो चाइना को मरियाना ट्रेंच की तरफ खींच रही है और वो है एनर्जी का भविष्य। आपने मेथेन हाइड्रेट्स का नाम सुना है? इसे फायर आइस या आग की बर्फ भी कहा जाता है। यह बर्फ जैसा दिखने वाला एक सॉलिड सब्सटेंस है जिसके अंदर नेचुरल गैस मीथेन फंसी होती है। समुद्र की गहराइयों में एक्सट्रीम प्रेशर और कम टेम्परेचर के कारण यह फायर आइस बनती है। अनुमान है कि दुनिया में जितना भी कोयला, तेल और गैस है, उन सबको मिलाकर भी फायर आइस में उससे डबल एनर्जी छिपी हुई है। यह एनर्जी का एक साफ सुथरा और अत्यंत शक्तिशाली सोर्स हो सकता है। अगर चाइना ने इस फायर आइस को निकालने और इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली तो यह 21वीं सदी की सबसे बड़ी एनर्जी रेवोल्यूशन होगी। मिडल ईस्ट की तेल पर निर्भरता खत्म हो जाएगी, ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स का पूरा नक्शा ही बदल जाएगा। चाइना दुनिया का नया एनर्जी किंग बन जाएगा और उसकी पावर का अंदाजा लगाना भी मुश्किल होगा। तीसरा मकसद, जीवन की उत्पत्ति का रहस्य। अब आते हैं उस डिस्कवरी पर जो शायद इंसानियत की सोच को हमेशा के लिए बदल दे। इस मिशन का तीसरा और सबसे मिस्टीरियस मकसद है जीवन के राज को समझना।
साइंटिस्ट्स मानते हैं कि धरती पर जीवन की शुरुआत शायद समुद्र की गहराइयों में मौजूद हाइड्रोथर्मल वेंट्स से हुई थी। यह समुद्र के तल पर ऐसी दरारें हैं जहां से अर्थ के कोर की गर्मी और केमिकल्स निकलते रहते हैं। इन एक्सट्रीम कंडीशंस में जहां रोशनी नहीं, ऑक्सीजन नहीं, वहां भी अजीबोगरीब जीव रहते हैं। इन्हें एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं। ये ऐसे बैक्टीरिया और माइक्रोब्स हैं जो विकट परिस्थितियों में जीना जानते हैं। चाइना का ड्रिल जब मरियाना ट्रेंच की सतह के नीचे जाएगा तो वो ऐसी चीजों के सैंपल निकालेगा जो अभी तक इंसानी नजर से ओझल थे। क्या वहां कोई नया लाइफ फॉर्म मिलेगा? क्या वहां से मिले माइक्रोब्स में ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जो मेडिकल साइंस में क्रांति ला दें, जिससे ऐसी बीमारियों का इलाज मिल सके जो आज लाइलाज हैं? या शायद हमें इस सवाल का जवाब मिल जाए कि हम कहां से आए हैं। यह एक ऐसी खोज हो सकती है जो हमारी बायोलॉजी की किताबों को दोबारा लिखने पर मजबूर कर देगी। चौथा मकसद, भूकंप और सुनामी की भविष्यवाणी। इतना ही नहीं, इस मिशन का एक और जरूरी पहलू है जो हम सबकी सुरक्षा से जुड़ा है। मरियाना ट्रेंच वहां है जहां दो विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स, पैसिफिक प्लेट और मरियाना प्लेट, आपस में टकराती हैं। यह धरती के सबसे एक्टिव साइस्मिक ज़ोन्स में से एक है। यहां होने वाली हलचल से ही भयानक भूकंप और सुनामीज पैदा होते हैं। चाइना का मेंगसियांग ड्रिल शिप सिर्फ खोदेगा नहीं, बल्कि यह उस सतह के नीचे सेंसर्स और मॉनिटरिंग इक्विपमेंट भी इंस्टॉल करेगा। इन सेंसर्स से मिलने वाला डेटा इतना प्रिसाइज हो सकता है कि साइंटिस्ट्स को टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट को पहले से बेहतर समझने में मदद मिलेगी। इसका सीधा मतलब है अर्थक्वेक और सुनामी की बेहतर भविष्यवाणी। अगर हम इन आपदाओं का कुछ घंटे या दिन पहले ही पता लगा सकें तो लाखों जानें बचाई जा सकती हैं। यह टेक्नोलॉजी इंसानियत के लिए एक वरदान साबित हो सकती है, और इस टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल पाना चाइना को एक अलग ही लीग में खड़ा कर देगा। भविष्य पर कब्जे की दौड़, एक जियोपॉलिटिकल शतरंज। तो अब आप समझ रहे हैं दोस्तों, यह सिर्फ एक साइंटिफिक मिशन नहीं है, यह एक जियोपॉलिटिकल चेस गेम का सबसे बड़ा दांव है। एक रेस है, समुद्र के अंधेरे में छिपे फ्यूचर पर कब्जा करने की रेस। अमेरिका, रशिया, जापान और यहां तक कि हमारा देश भारत भी डीप सी एक्सप्लोरेशन में काम कर रहा है। हमारा समुद्रयान मिशन भी इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। लेकिन चाइना जिस स्केल और स्पीड से आगे बढ़ रहा है वो चिंता का विषय है। अगले 10 साल इसीलिए क्रूशल हैं। यह वो समय है जब मेंगशियांग मिशन के पहले रिजल्ट्स आने शुरू होंगे, जब दुनिया को पता चलेगा कि उस 11 किलोमीटर की गहराई में क्या छिपा है। नए मिनरल्स, अनंत एनर्जी का स्रोत, जीवन का राज, या कुछ ऐसा जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की है। जो भी उस खजाने को पहले पाएगा वो 21वीं सदी की कहानी लिखेगा, एक नई शुरुआत या नया संघर्ष। तो दोस्तों, सवाल यह नहीं है कि चाइना को वहां कुछ मिलेगा या नहीं, सवाल यह है कि क्या मिलेगा, और जब वो मिलेगा तो इस दुनिया पर उसका क्या असर होगा। क्या यह मानवता के भले के लिए होगा, या फिर एक नए ग्लोबल पावर स्ट्रगल की शुरुआत? यह एक ऐसी कहानी है जो अभी शुरू हुई है, और अगले एक दशक तक पूरी दुनिया इस पर नजर बनाए रखेगी। आपको क्या लगता है, चाइना की इस ड्रिलिंग से सबसे बड़ी डिस्कवरी क्या हो सकती है? क्या यह एक नया कोल्ड वॉर शुरू करेगा, इस बार समुद्र की गहराइयों में? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और ऐसी ही अनोखी और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।